झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। स्नातक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, BBMKU आयोजित करेगी स्पेशल परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय ने स्पेशल परीक्षा आयोजित कराने को लेकर किए गए वादों को पूरा किया है। विश्वविद्यालय ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षा ले सकती है। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए 16 से 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। जमशेदपुर में बनेगा फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी मुक्ति। जमशेदपुर पारडीह डीमना NH 33 मौजूदा रोड के ऊपर से पारडीह काली मंदिर से लेकर भिलाई पहाड़ी तक 7 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव NHAI मुख्यालय को भेजा गया है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक पारडीह डीमना चौक पर एक छोटा फ्लाईओवर के साथ करीब 376 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण सर्विस लेन के साथ किया जाता था, लेकिन अब पारडीह काली मंदिर से लेकर भिलाई पहाड़ी तक 7 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्थल निरीक्षण के बाद बनाकर मुख्यालय को भेजा गया है। खबर है जमशेदपुर से। झारखंड छात्र मोर्चा ने किया KU द्वारा मनोनीत सीनेट सदस्यों सह विधायकों का सम्मान। जमशेदपुर परिसदन में कोलाहान विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सीनेट सदस्यों को झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कामंत ने किया। कार्यक्रम में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, ईचागढ़ की विधायक साविता महतो, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहती को सम्मानित किया गया। खबर है रांची से। राज्यपाल ने JPSC अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन बुलाकर विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी ली। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए दिशा निर्देश दिया ताकि कॉलेज को शिक्षक मिल सके। उन्हें अध्यक्ष से शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति प्रक्रिया भी विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निष्पादित करने के लिए कहा। बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश। खबर है रांची से। झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के मामले में आ रही अड़चनों पर भाजपा और मरांडी के याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर ने दोनों को संशोधित याचिका दायर करने के निर्देश दिए और रजिस्ट्री से कहा कि उनकी संशोधित याचिका को खंडपीठ को रेफर करें। महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, अब आपके खर्च होंगे इतने, तो जानते हैं आइए खबर को। देश का आम नागरिक इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का डर तो दूसरी तरफ हर दिन बढ़ती महंगाई की मार। इस बीच आम आदमी को एक बड़ा झटका और लग सकता है। ऑयल कंपनी ने LPG गैस की कीमतें में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। खबर है पाकुड़ से। ट्रांजिट परमिट के बगैर कोयला ढुलाई का आरोप, वन विभाग ने जब्त किया मालगाड़ी। वन विभाग के ट्रांजिट परमिट के बिना कोयला ढुलाई करने पर वन विभाग ने सोमवार को पाकुड़ में कोयला लदी मालगाड़ी जब्त कर ली है। पाकुड़ रेलवे साइडिंग में मैनेजर अनिल सिंह ने मालगाड़ी को जब्त कर रेलवे गाइड के जिम्मे मालगाड़ी को सौंप दिया है। वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। राज्य में यह दूसरा मामला है जब वन विभाग ने ट्रेन को जब्त किया है। वहीं राजमहल कोल परियोजना ललमटिया में भी लगातार तीसरे दिन वन विभाग के अधिकारियों ने कोयला डिस्पैच रोक दिया है। नक्सलियों ने राजभवन के पीछे चिपकाया पोस्टर, कहा कोयला कंपनियों सब काम बंद करे वरना भुगतने के लिए तैयार रहें। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने का दावा करने वाले झारखंड सरकार को उग्रवादी संगठन ने अब शहर पहुंचकर पुलिस को चुनौती दी है। सरकार के दूसरे सुरक्षित और भीड़ वाले इलाके रातू रोड स्थित देवकमल अस्पताल की दीवार पर उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने पोस्टर चिपकाया है। यह दीवार राजभवन के ठीक पीछे है। पोस्टर में सरकार, पुलिस और NIA के खिलाफ बयानबाजी की है। इतनी ही नहीं, कोयला कंपनी से
16 दिसंबर तक कोयला की कटाई और ढुलाई को बंद करने के लिए कहा गया है, नहीं करने पर उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की बात कही है। रांची नगर निगम कार्यालय में टेंडर डालने के लिए दो गुट आपस में भिड़े, रद्द करना पड़ा टेंडर। रांची नगर निगम कार्यालय में मंगलवार जमकर बवाल हुआ। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई और लाठियां भी भांजी गई। इस स्थिति में बिगड़ती गई, आखिर नगर निगम को रद्द करना पड़ा अपना टेंडर। दरअसल रांची नगर निगम कार्यालय में अटल वेंडर मार्केट के फूड कोर्ट, पार्किंग और रांची पहाड़ी मंदिर की एक दुकान का टेंडर होना था। टेंडर स्थल पर एक ही ग्रुप के ठेकेदारों का कब्जा रहा। दूसरे ग्रुप के तीन ठेकेदार टेंडर डालने पहुंचे तो युवक ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान नगर निगम में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अपना काम कराने निगम पहुंचे लोग नगर निगम से भाग खड़े हुए। हंगामे के दौरान नगर निगम कार्यालय में जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। अब निगम पुलिस केस करने की तैयारी कर रहा है। निगम की तरफ से फिलहाल इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अब इसका अगला से विज्ञापन निकाला जाएगा। अब जाने थोड़ा खबर मौसम से। दो दिन तक रांची में छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी की भी आसार। 17 दिसंबर से गिरेगा पारा। रांची में सोमवार की धूप के बाद मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए हैं। सुबह 9 बजे थोड़ी देर के लिए धूप निकली, लेकिन थोड़ी ही देर में बादलों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले दो दिन तक रांची सहित पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी के भी आसार हैं। ऐसी स्थिति में 16 दिसंबर तक रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन का तापमान घटेगा। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने कहा है कि अरब सागर पर एक लो प्रेशर बना हुआ है, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से राजस्थान में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले दो दिन तक रांची में दिन में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। 16 दिसंबर तक रांची का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से, किसानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किन मुद्दों पर हुई बात, क्या हुआ बड़ा फैसला, जानिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कच्छ दौरे के बीच किसानों से मुलाकात की। पीएम से मिलने वाले एक किसान ने कहा कि हमारी मुलाकात गुरुद्वारे के मसले पर हुई, हालांकि किसी किसान ने कृषि बिल को लेकर चर्चा का जिक्र नहीं किया। बता दें कि कृषि कानून के मसले पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सिंगापुर से बड़ा है कच्छ का हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, किसानों को जमीन छीनने का डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को भ्रमित करने वाला विपक्ष इस कानून का समर्थन में था, कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। गुजरात को बड़ा सौगात, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कच्छ में, मोदी करेंगे भूमि पूजन। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के कच्छ दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां तीन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके तरह पीएम मोदी गुजरात के विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट देंगे, वही मांडवी में डिसेलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन किए। अब डाक के साथ ही मिलेगी बैंकिंग की सुविधा, लंच हुआ डाक पे। भारतीय डाक विभाग का नाम आते ही लोगों को चिट्ठियां, पार्सल, ये सब चीजें याद आ जाती है। हालांकि इसके साथ ही डाक विभाग की तरफ से एक बैंकिंग व्यवस्था चलाई जाती है, जिसमें बचत खाता, किसान विकास पत्र, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं चलती है। लेकिन अब भारतीय डाक सेवा के द्वारा संचालित डाकघर के अलावा एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब इसके जरिए भी भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, मतलब एक उपभोक्ता इस ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं। इस ऐप का नाम डाक पे रखा गया है। मुकेश अंबानी और मार्क जुकरबर्ग में हुआ वीडियो संवाद, दोनों ने भारत के भविष्य को उज्जवल बताया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग में एक वीडियो संवाद हुआ, जिसमें भारत के आर्थिक वृद्धि को तेज करने में
डिजिटाइजेशन और छोटे कारोबारी की भूमिका पर चर्चा हो रही है। दोनों ने भारत के भविष्य को उज्जवल बताता है। अंबानी ने कहा कि अगले 20 सालों में भारत दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा, जिस पर जकरबर्ग ने कहा कि उन्हें भारत के भविष्य में काफी भरोसा है। साथ ही कहा कि इसकी वजह से उन्होंने भारत में निवेश किया है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में सरकार ने जारी की 7वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिस किस्त को देश के करोड़ों किसानों को काफी दिनों से इंतजार था। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों के खाते में 6,000 रुपया भेजती है। 2 हफ्ते में 100 रुपया महंगा हुआ LPG सिलेंडर, कल भी 50 रुपया दाम बढ़ा। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 हफ्ते के अंदर कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये का इजाफा किया है। इससे आम लोगों के लिए रसोई में खाना पकाना महंगा हो गया है और घरेलू बजट भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से लोगों को राहत मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का तोहफा, बढ़ने वाली है सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। कोविड-19 के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलता है, लेकिन अभी ये 17% के हिसाब से मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी और ओवैसी बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे चक्रव्यूह में घिरी है जिसे भेदना नामकुम हो गया है। एक तरफ जहां उनकी पार्टी के बागी शुभेंदु अधिकारी उनके लिए मुसीबत बन गए, तो दूसरी ओर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में ताल ठोकने का मन बना लिया है। शुभेंदु बीजेपी से जाने के संकेत दे रहे हैं, तो ओवैसी बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करके ओवैसी झटका दे रहे हैं। ये दोनों ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनावी मुसीबत बनने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। राजनाथ सिंह का चीन पर तीखा हमला, बोले 2000 सालों से हमारा चीन पर सांस्कृतिक वर्चस्व रहा है। इस वर्ष मई के बाद से ही भारत और चीन के बीच भीषण तनाव देखने को मिल रहा है। विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने वाला चीन अब भारत पर भी हावी होना चाहता है, ताकि एशिया में उसके प्रभुत्व को कोई चुनौती पेश न कर सके। हालांकि अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को उसकी जगह बताते हुए कहा कि वो भारत की है, जो पिछले 2000 वर्षों से चीन की संस्कृति पर अपना प्रभाव जमाया है। इसके माध्यम से राजनाथ सिंह ने चीन को यह भी संदेश दिया कि सॉफ्ट पावर के मामले में भारत चीन के बीच कोई मुकाबला है ही नहीं, और आज दुनिया के अधिकतर देशों में भारत को लेकर सकारात्मक छवि है, जबकि चीन के मामले में चीजें एकदम विपरीत है। 5G लॉकडाउन नहीं, मास्क नहीं, झप्पी फ्री, ये मांग प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की है। किसी भी आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा होता है, लेकिन किसानों ने अपना मुद्दा ही खो दिया है। उनका आंदोलन MSP से शुरू हुआ और अब राजनीतिक हो गया है। इसमें लॉकडाउन, मास्क पहनने की टिप्पणी, वैक्सीनेशन की मनाही और विकास के लिए जरूरी 5G जैसे मुद्दों पर विरोध हो रहा है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार तीव्रता से काम करने को तैयार है, और इसे मुद्दे पर ये लोग विरोध की नौटंकी कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल मेमोरीज में एक ऐसा है, बेटा चाहता है न छपे, अब बेटी कर रही है छपने दो। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनके संस्मरण द प्रेसिडेंशियल मेमोरीज के प्रकाशन को लेकर आपत्ति जताई है और इस पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को उन्होंने पब्लिकेशन हाउस को टैग कर एक साथ कई ट्वीट करके इस किताब को पहले पढ़ने का आग्रह किया है, फिर भी उसे प्रकाशित किए जाने की मांग की है। एक का गैंगरेप, दूसरी पर धनवंतरण का दबाव, आदिवासी नाबालिग की आवाज उठाने पर 14 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को पहुंचे जेल। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य इन दिनों 2 आदिवासी नाबालिग
लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस चक्कर में छात्र संगठन के कम से कम 14 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दर्जन भर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक घेराव करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ी थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जय श्री राम के नारे का मजाक उड़ाने वाले अब जाएंगे अयोध्या। जय श्री राम के नारे का मजाक उड़ाने वाले अब रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामलला का दर्शन करने जाएंगे। कभी अयोध्या में कार सेवक राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण शुरू होने पर राम भक्त बन जाएंगे। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, किसान आंदोलन में गुंडा तत्व आगे और किसान पीछे। किसान आंदोलन में अराजक तत्व की भागीदारी पर अब कांग्रेस से भी आवाज उठने लगी है। पंजाब के लुधियाना के कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर किसान नेताओं पर निशाना साधा है। बिट्टू ने कहा कि किसान आंदोलन को गलत लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये लोग अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं और भोले भाले किसानों को संघर्ष को गलत दिशा देंगे, इससे राष्ट्र को नुकसान होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।